झज्जर से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। झज्जर में रोहतक रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री संदीप खेवार ने बुधवार को झज्जर जिले में प्रस्तावित 6 नए थानों के संबंध में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक श्री पंकज नैन भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नए थानों के लिए चिन्हित किए गए उन सभी स्थानों का दौरा करके स्थानीय पुलिस द्वारा की गई व्यवस्थाओं बारे विस्तार से जानकारी ली, जहां पर जल्द ही अस्थायी तौर पर नए थाने चलाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने थानों के लिए स्थायी रूप से बनने वाले नए भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित की गई जगहों का भी निरीक्षण किया। पुलिस महानिरीक्षक श्री संदीप खेवार ने झज्जर जिला में प्रस्तावित 6 नए थानों में की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए थानों के निर्माण के बाद आमजन को बेहतर पुलिस सुविधा मिल सकेगी। जल्द ही झज्जर जिला में प्रस्तावित 6 नए थाने जिनमें दुजाना, झज्जर शहर, माछरौली, बादली, आसौदा तथा सेक्टर 6 बहादुरगढ़ शामिल हैं, अस्तित्व में आ जाएंगे, जिसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। प्रस्तावित 6 नए थानों के निरीक्षण के दौरान पुलिस महानिरीक्षक श्री संदीप खेवार के साथ पुलिस अधीक्षक श्री पंकज नैन व DSP मुख्यालय झज्जर हंसराज तथा DSP बोरी अजमेर सिंह भी मौजूद रहे। चौकी का निरीक्षण किया आपने, क्या वहाँ सारा? झज्जर जिले में कुछ चौकियाँ जो हैं वो अपग्रेड की जा रही हैं थानों में, जो हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन अभी हाल फिलहाल में जारी किया है, तो इसकी तैयारी का एक बार आकलन करना था कि, और हम आशा करते हैं कि अगले 5-7 दिनों में हम नए थाने, जो 6 थाने नोटिफाई हुए हैं झज्जर ज़िले के लिए, उनको हम ऑपरेशनलाइज कर देंगे। वहाँ पे स्टाफ की पोस्टिंग कर दी गई है, अभी रिकॉर्ड्स को अलग किया जा रहा है, और ताकि हम बेटर पुलिस सर्विसेज, जो झज्जर की जो जनता है, जनमानस है, उनको बेटर पुलिस सर्विसेज, क्लोज़र टू देम, क्लोज़र टू देयर डोरस्टेप हम पुलिस सर्विसेज डिलीवर कर सकें, तो उसका आज आकलन करने का एक प्रयास था। तो मैंने दुजाना जो प्रपोज थाना है, जो हम आशा करते हैं अगले हफ्ते स्टार्ट कर देंगे, और सिटी झज्जर जो है उसका हमने आज निरीक्षण कर लिया है, तैयारियों का जायज़ा ले लिया है, और हम अभी तैयार हैं कि अगले हफ्ते हम इसको लॉन्च करेंगे। तो सर, किस तरह के दिशा निर्देश दिए हमने अभी इस समय? क्योंकि इनिशियल स्टेजेस हैं, एक तो क्योंकि थाना अपग्रेड हो रहा है, तो हमें रिकॉर्ड का सेग्रीगेशन, और फिर हम अपने स्टाफ की यहाँ पे अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ करना, और जैसे कोई छोटी कोई रिक्वेस्ट आती है, पब्लिक रिक्वेस्ट, सर्विस रिक्वेस्ट, कोई पासपोर्ट इंक्वायरी, कोई आर्म्स लाइसेंस इंक्वायरी, कोई सर्विस वेरिफिकेशन, तो हम जिस दिन हम थाना का ऑपरेशंस प्रारंभ करेंगे, उस दिन से हम वी शुड बी रेडी टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो अभी ये प्रारंभिक एक तरह की हमें दिशा निर्देश दिए हैं, बाकी जैसे इनका कार्य शुरू होगा और इनके कार्य को ऑब्जर्व करके आगे निर्देश दिए।